नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में। मैं हूं ऋतुबिष्ट और स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में, जहां पर हम हर बार एक ऐसा मुद्दा लाते हैं जिसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और अपना पक्ष तो दूसरा अपना विपक्ष यहां पर राय रखता है कि आखिरकार उस मुद्दे को लेकर क्या सही है और क्या गलत। और आज हम बात करेंगे यूपी को लेकर, क्योंकि यूपी में जिस तरह से आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उम्मीद की गई जो तमाम पार्टियां हैं वो एकजुट कर इस बजट को लेकर अपना समर्थन यहां पर जुटाएंगी। हामी भी भरी गई और आश्वासन भी दिया गया, सहमति यहां पर जुटाई गई, लेकिन उसके उलट दूसरी तरफ देखा गया विधानसभा के बाहर ही कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता एकजुट होकर यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। किस मुद्दे को लेकर? सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, एनपीआर को लेकर, इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, किसान, सबको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और हल्ला यहां पर जारी रहा विपक्ष का। और सवाल यहां पर लगातार विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। बजट अब 18 फरवरी को सरकार का पेश होने वाला है, योगी सरकार का, और ऐसे में उससे पहले ही किस तरह से मुद्दे को बनाने की कोशिश है विपक्ष की, वो यहां पर हम आपको दिखाएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। विनय चौधरी है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही संजीव चौधरी जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता। बाहर विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस एसपी ने सरकार को घेरा, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, बाहर विपक्ष का हंगामा, महंगाई को लेकर सपा कांग्रेस गुस्से में। प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त करती है, इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर, उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बहुत खराब है, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया है लेकिन सरकार नहीं दे रही है, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया और वादा खिलाफी किया, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रहा। बजट सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महंगाई, सीएए और एनआरसी के साथ ही किसान उत्पीड़न की तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन तख्तियों में संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे लिखे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए सिलेंडर लेकर के आए हैं, महंगाई को दिखा रहे हैं और इस पे लिखा गया है 6 साल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो क्यों आपको प्रदर्शन की जरूरत पड़ी यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। कल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में आज महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर पर 150 रुपया बढ़ाने का काम किया है। हम महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पर, किसानों के नाम पर, नौजवानों के नाम पर बहस नहीं करना चाहती है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाना चाहती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए महंगाई के खिलाफ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम युवा विधायक हैं और देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, क्या क्या और मुद्दे हैं आप लोगों को प्रदर्शन? आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगार नौजवान दर दर ठोकरे खा रहा है, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस के नेताओं ने व्यापार, रोजगार, किसानों, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, बिजली, रसोई गैस के दाम के खिलाफ विधानसभा में सपा के विधायकों के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने भी हल्ला बोला और सवाल उठाए। सदन के बाहर भी जो संविधान का एक विरोध करने का तरीका है उसके तहत जहां भी हमें
प्रदर्शन करने का संविधान अनुमति देता है, हम वहाँ सब जगह करते हैं। अभी एक घंटे बाद हम सदन के अंदर करेंगे और सदन जब तक चलेगा तब तक हम किसानों की समस्याएं, CAA NRC वापस लेने की बात, महिलाओं की, हमारी बच्चियों की जो समस्याएं हैं, युवाओं की और जो भी प्रदेश की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को परेशान है। आज आलू के दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, आज गन्ना के बकाया उन किसानों को नहीं मिल पा रहा है, दलहन वाले किसान परेशान हैं, आज सेठा प्रजाति के बीज बोने पर रोक लगा दी है किसानों को। सबसे बड़ा कहर अगर किसानों पे है तो छुट्टा जानवरों का है। आपको यहां बताते चलें कि 18 मार्च को सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट सरकार पेश करेगी और संभावना है कि इस बार का बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इसका आकार 5 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत में ही विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू किया है। आगे देखना दिलचस्प होगा, सरकार विपक्ष का जवाब कैसे देती है। लखनऊ से नरेंद्र यादव, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जैसा कि उम्मीद थी कि सत्र की जो शुरुआत होगी वो काफी हंगामेदार रहेगी, सो वो होती हुई भी यहां पर दिखाई दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मौके कैसे इतने विपक्ष को अपने आप मिल जा रहे हैं। CAA NRC का मुद्दा यहां पर देशभर में देख रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब महंगाई का मुद्दा, जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं उसे एक और मुद्दा यहां पर विपक्ष को मिल गया है। सबसे पहले सवाल विनय जी आपसे ही कि आखिर क्यों, क्या मौकों की कमी यहां पर पड़ गई है कि आप एकाएक करके विपक्ष को मौका दे रहे हैं और वो विपक्ष आप लोगों पर हावी हो रहा है? देखो, ऐसा नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जो नए भारत की संरचना की बात की है, आप देख रहे होंगे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि नए भारत की संरचना हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन जब नए भारत की संरचना करने जा रहे होंगे उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था, हमारे लिए अहम रोल होता है, अहम रोल अर्थव्यवस्था आता है। आपने देखा होगा, विनय जी को सुन लेते हैं पहले, सवाल को घुमाइए मत आप। संजीव जी एक मिनट सुन लेने दीजिए, ये जो सिलेंडर पे दाम बढ़े हैं ये क्यों बढ़े हैं? देखो समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी ने क्या संरचना, समझना पड़ेगा आपको। 70 सालों से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी अगर आप देखना चाहते हैं डॉलर पहुंचाने में बात हुई थी, आज प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि हर हाथ को मजबूत करें, किसान को मजबूत करें, युवा को मजबूत करें, महिलाओं को मजबूत करें, उसके लिए हमें पूरे भारत को हमें देखना पड़ेगा, हर एक वर्ग को हमें देखना पड़ेगा। कहां है वो 15 लाख? प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किससे कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बताइए सबको मजबूत करना पड़ेगा। कहां है वो 15 लाख? अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, 5 बिलियन पे पहुंचना ही हम लोग बात कर रहे हैं। किसानों के गन्ने का अरे भैया, मैं बोलना चाहता हूँ, आप बताइए 3 ट्रिलियन 70 साल हो गए, 70 साल के अंदर 3 ट्रिलियन पे डॉलर पे आज भारत पहुंचा है। हमें शर्म आती है, आज से पहले जो अर्थव्यवस्था रही है, आज से पहले जो सरकार रही है, कहां टिकी थी वो सरकार? जितना काम 6 साल के अंदर हुआ है उतना काम पिछले 70 साल के अंदर नहीं हुआ। आप आज देख रहे होंगे, अरे विनय जी, विनय जी बेहतर होगा यूपी की आप बात करें, विनय जी बेहतर होगा उत्तर प्रदेश का जिक्र करें। दिल्ली में सरकार का, दिल्ली में सरकार का प्रोपेगेंडा आप समझिए, वहां हिंदू मुसलमान हो गया था, हिंदू मुसलमान के अंदर में आपने देखा होगा जो साहिबाग का मुद्दा था उसको उठाने की कोशिश की कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साहिबाग के मुद्दे को पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा बना दिया और पूरा यूज किया साहिबाग के मुद्दे को। सरकार में आए थे आपने कहा था रोजगार देंगे, चिकित्सा, अरे भैया रोजगार दिया, रोजगार रोजगार देंगे स्किल इंडिया डेवलपमेंट के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला स्किल इंडिया डेवलपमेंट के अंदर काम करेंगे, मुद्रा योजना के अंदर काम करेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए मुद्रा योजना के अंदर 1 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन, जो कि युवा, जो हम जैसे युवा हैं जो काम करना चाहते, अपने बलबूते पे सशक्त होना चाहते, उनको लोन देने का काम किया है। ये देश रोजगार चाहता है, आपने वादा किया था 15 लाख का। इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और 5 करोड़ नौकरियां इस देश के अंदर है, अगर ये तो संभव है नहीं कि सबको नौकरी मिल जाए, अरे भैया ये तो संभव नहीं है ना चौधरी साहब, ये तो संभव नहीं है ना कि सबको नौकरी मिल जाए। 130 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें 5 करोड़ नौकरियां बाकायदा मिलनी होती है। आपने समझने की कोशिश कीजिए, सबको नहीं मिल सकती नौकरी, लेकिन अगर जो सक्षम है उसको नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा हम लोगों ने कहा है कि हम लोग सबको
सशक्त करेंगे और उसको मजबूती करने के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, देखिए मैं भी बच्चियों तक पहुंच रहे हैं, आप देख रहे होंगे शिक्षा के अंदर, आप ये बताइए शिक्षा के अंदर, पानी के अंदर, सड़क के अंदर, हर जगह पूरे देश के अंदर काम हो रहा है। तो मैं भी बोलता रहूंगा, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके या तो मोदी जी ने झूठ बोला है, और अगर सच बोला है तो 15 लाख कहाँ है भैया? आप इसका जवाब दे दीजिए। 15 लाख का मुद्दा जो बनाया है वो विपक्षी द्वारा बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पे कहा था, नहीं कहा? सुनो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुन लो भैया आप मीडिया को, अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो हमारे देश के अंदर, अगर अगर सुनिए ना आप, अगर क्या मतलब होता है, उन्होंने बोला था अगर 15 अगर काला धन वापस आ जाएगा तो देश के अंदर हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं चलेगा, आप जानबूझ के प्रोपेगेंडा बनाया है, जानबूझ के मुद्दा बना दिया कि 15 लाख मिलेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। दूसरी बात, जानबूझ के मुद्दा बनाया है। पेमेंट का क्या हुआ किसानों के गन्ने की पेमेंट का क्या? अरे सब कुछ होगा, किसान को मजबूत कर रहे हैं, साल किसान के अंदर सहायता राशि के तौर पे 6,000 रुपए पर एनएम सहायता राशि प्रति व्यक्ति किसान को दी जा रही है। सिंचाई पे किसान को सब्सिडी मिल रही है, इसके अलावा जो खाद बीज में उनपे सब्सिडी मिल रही है। इससे पहले क्या दिया आप लोग? 5 साल सरकार में रहे, यूपी के अंदर रहे, आपने किसानों के लिए क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने क्या किया? इवन कांग्रेस ने क्या किया? किसान आत्महत्या कर रहे हैं संजीव जी, तभी तो आपसे 3 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि बजट सत्र शुरू हो गया है, क्या रहेगा बजट में? महंगाई को लेकर नहीं, रोजगार को लेकर, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, हर एक मुद्दे पर आपको घेरा जा रहा है। केजरीवाल जी लॉलीपॉप दे रहे हैं, भीख बन के लोग ले रहे हैं, आपके आदमी कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, बयानों को जानबूझ के तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। आप गलत बयान दे रहे हैं। आप मैं क्या कह रहा हूं, हम लोगों ने साफ तौर पे कहा था 3 महीने के, एक बात बताइए, केजरीवाल के यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल 5 साल के मुख्यमंत्री थे, 3 महीने क्यों काम किया उन्होंने? 3 महीने क्यों काम किया? 3 महीने के अंदर आप लोग सबको लॉलीपॉप बांट रहे हैं, और उसकी वजह से साहिन बाग का मुद्दा बना दिया, मुसलमानों का 13% वोट बैंक की चिंता हो गई, कब उनको चिंता नहीं हुई? पूरे मुद्दा को बना लिया, साहिन बाग को बनाने की कोशिश की है, और आज आप देख रहे होंगे 13% का एक वोट बैंक नहीं बदला है। आप 2,000 में किसानों की लाशों को खरीद लास्ट की बात नहीं है, किसान को एक सहायता राशि के तौर पर दी जा रही है। किसान आत्महत्या, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। 6 साल हो गई, 6 साल के अंदर सिंगल भ्रष्टाचार तो चाह रहे हैं कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन्हें साफ करें। विनय जी विपक्ष यही तो चाह रहा है कि वो मुद्दे उठाएं तो आप उनको साफ करें, करिए ना साफ। महंगाई पर अगर बात उठाई जा रही है तो उसमें साफ करिए, महिला सुरक्षा पर उठाई जा रही है, किसानों पर उठाई जा रही है, क्लियर करिए ना आप इन मुद्दों को। फिर साफ करेंगे, गंगा साफ हुई, बिल्कुल गंगा साफ हुई, जाके डुबकी लगा के देखो, हमारे मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई है, हमारे गृह मंत्री ने डुबकी लगाई है, वहाँ जाके देखो, वहाँ डुबकी लगा के देखो, पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के पूरे पैनल ने वहाँ पे डुबकी लगा दिया है। अरे आप देखिए ना किस तरीके से ये गंगा साफ हुई है। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने का, विपक्ष के पास में सिंगल मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने का। आप लोग 6 साल की सरकार के ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकते, 6 साल की सरकार के ऊपर सिंगल आरोप नहीं लगा सकते आप। शर्म करो कम से कम, ये देश की साथ, देश की आपको माफ नहीं करेंगे। अगर हम लोग काम नहीं कर रहे होते तो 2019 के अंदर 303 सीट जीत के फुल रूप से हम सत्ता में नहीं आ रहे होते। आपको समझना पड़ेगा, मेजोरिटी हमने 303 सीट जीत लिया है। हम लोग कहां गया आपका, दिल्ली में क्या हुआ? आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली का बता रहे ना आपको, दिल्ली का बता रहे ना, 3 महीने के अंदर लॉलीपॉप बांटे और दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम किया है। कह रहे थे दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम किया है, क्यों दोगे? उनके उनके विकास की बात करो, किसानों के पेमेंट की बात करो। आपको पता है, आपको पता है, आगे चल के दिल्ली की जनता अगर परेशान हो आपको अच्छा लगेगा? अगर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलेगा, आज भी दिल्ली की जनता को 40,000 मोहल्लों के अंदर किसान का बेटा टैंकरों
से पानी जाता है, आपको पता है सीमा का गोलियां खाता है वही किसान का बेटा। आपको समझना पड़ेगा दिल्ली की जनता पेमेंट करा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली की जो आप बात कर रहे हैं 3 महीने का लॉलीपॉप बांटा, टैंकरों से पानी आज भी पहुंचाया जा रहा है, सुनिए आज भी पहुंचाया जा रहा है टैंकरों से, कौन चिंता करेगा उसकी। बीएसईएस ने साफ तौर पे बोल दिया है कि केजरीवाल सरकार को हम इससे ज्यादा बिजली नहीं दे सकते। लोग आपसे रोटी मांगते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हो, आपसे चिकित्सा की बात करते हैं तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का सहायता राशि, अगर कोई भी बंदा बीमार हो जाता है तो अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख का इलाज एक गरीब परिवार का तबके का बंदा करा सकता है। आपको समझना पड़ेगा इससे पहले किसी सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया। आपका काम की बात करूं आपका बात काम था क्यों हारे चुनाव, विपक्ष का काम था गरीब को और गरीब बनाना, लेकिन प्रधानमंत्री का काम है गरीब को मजबूत करना और मजबूत कर रहे। आप देख लेना हर घर में साफ बिजली पहुंचेगी, हर घर में साफ पानी पहुंचेगा, हर सबको पक्का मकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, आप धैर्य रखिए, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, धैर्य रखिए। 2022 के अंदर सबको पक्के मकान मिलने जा रहे हैं, हर घर साफ पानी मिलेगा, हर घर साफ बिजली मिलेगी। ऐसे तो मैं भी चिल्लाता रहूंगा, सुनिए आप, अगर एक बात सुनिए पहले, मेरा एक जवाब दे दीजिए शांति से। अगर आपने इस देश के अंदर इस देश को अगर छला नहीं है, सुन लेना, आप बोलोगे मैं चुप रहूंगा, इस देश को आप झूठ बोल के आपने सारी चीजें जितनी भी आपने झूठ बोली थी 2014 में जब आप सरकार में आए थे, तब के जितने भी आपने मैनिफेस्टो जो लागू किया था उसका एक सिंगल भी हो तो बता दे, सुन लेना एक मिनट। अगर आपने सारे वादे अपने पूरे किए तो आप 7-8 स्टेट 9 स्टेट जहां तक मुझे याद है, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो, आप चुनाव क्यों हार गए? आप आज अगर आपने काम आप आज की नहीं, संजीव बात कर रहे हैं 2019 के अंदर पूर्ण रूप से सत्ता में आने वाली पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीधी सीट लेके आई है, आप आज करेंगे किस तरह के हारे और जहां जीते आप उसकी बात नहीं करेंगे। जब 2014 के बाद से 75% देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पंच लहरा रहा है, गुणगान कर रही है, वो योजनाएं बोल रही है, उन्हें पता है आपको देश के अंदर हर घर के अंदर योजना जन जन तक योजना पहुंच रही है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा आयुष्मान योजना के थ्रू इलाज मुफ्त मिल रहा है, इससे पहले हर घर गैस पहुंच रही है, हर घर शौचालय पहुंच रहा है, हर घर मुद्रा योजना के अंदर लोन पहुंच रहा है। यूपी का जिक्र कर ले, यूपी में बताएं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे हैं, आज भी एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलती। मैडम आपको तो बखूबी पता होगा ना, आज भी यूपी के अंदर आप देख रहे होंगे एक समय ऐसा था इस सरकार से पहले, योगी सरकार से पहले वहां पर FIR दर्ज नहीं होती थी। अरे बेटियां 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलती थी, इस तरह के कृत्य होते थे वहां। आज देखिए भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है, कमर तोड़ दिया भ्रष्टाचार के, यूपी के यूपी सरकार ने कमर तोड़ दिया, योगी सरकार ने कमर तोड़ दिया भ्रष्टाचार की, सिंगल दाग नहीं लगा सकते आप, सिंगल दाग नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल सही कहा, एक आपके समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ विपक्ष के टाइम पे ये हाल होता था, एक सिंगल FIR नहीं दर्ज होती थी। आज आपके अंदर आपको समझना पड़ेगा। आपका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बात तो सुन लीजिए, आपने सही कहा कि बिल्कुल अंकुश लगा है आपके विधायकों की, आपके विधायकों को संसद में या लोकसभा में या जहां भी बैठना पड़ रहा है धरने के ऊपर, पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, कितना बढ़िया काम आपका चल रहा है। चिंता कीजिए ना, आप विधायक की चिंता कर रहे हैं, आप अपने जनता की चिंता कीजिए भैया, जनता देवतुल्य जनता होती है, जनता की चिंता कीजिए आप, हमारे विधायकों की चिंता कर रहे हैं। अरे आप जनता की चिंता कीजिए, आप विपक्ष में बैठे हैं, विधानसभा में बैठ के आपको 200 विधायक हम लोग कोई एक्ट लेके आते हैं, अगर किसी तरह का हम लोग पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर किसी तरह का हम लोग चेंज लेके आ रहे हैं, तो आपको अगर कोई अच्छा चेंज ला रहे हैं और जनता के लिए लेके आ रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप बताइए विपक्ष को, विपक्ष ने हमेशा गिरने का काम किया, आप 6 साल हो गई, 6 साल के अंदर हम लोग CA लेके आए, 35A लाए, 12370 लाए, 3 तलाक लेके आए, राम मंदिर लाए, आपने हमेशा विपक्ष में खड़ा होके आपने एकदम विपक्ष के में खड़ा होके आपने विरोध करने का काम किया। आप देश हित में भी अगर कोई काम होता है तब आपने विरोध में काम किया। हमें दुख इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा होता है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद नहीं करेगा, राष्ट्रवाद नहीं है जो आपका वोट नहीं करेगा वो देशद्रोही है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो के अंदर पहला मुद्दा राष्ट्रवाद है, अगर देश ही नहीं बचेगा तो आप प्रदेश और बाकी लोगों का क्या बात करेंगे।
अगर हमारे यहाँ पे जिन्ना वाले नारे लगेंगे, देश को तोड़ने वाले नारे लगेंगे तो हमें दुख होगा और मुद्दा बनेगा। हम किसी भी तरह से इस मुद्दे को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देश को तोड़ने वाले नारे को हम 1% पसंद नहीं करेंगे। देश को तोड़ेंगे, जिन्ना वाली आजादी चाहिए, यही तरह के नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनिए, हिंदू मुसलमान हमने नहीं बनाया, भारत हिंदू मुसलमान आप करना चाहते हैं। माइनॉरिटी के अंदर लोग हज पे जाते हैं, 76% सब्सिडी देने का काम किया हमको। माइनॉरिटी के अंदर 51% जो बेटियां है उनको 51,000 की सहायता राशि देने के बात की है। आप बात कर रहे हैं सुनने की तो सुनने। अरे भैया जो काम किया है वो बता रहे हैं आपको कि क्या काम किया। आप पूछना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी के लिए क्या किया। अरे बता रहे हैं आपको माइनॉरिटी के लिए क्या किया। ऐसे ही निकाल दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने सुनने की क्षमता शायद आप में ही नहीं लगती। विनय जी सुनने की क्षमता आप में नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है। किसानों को ऊपर व्यवस्था चाहता है। आप बात कर रहे हो 3 तलाक की, आप बात करते हो CAA की, आप बात करते हो पाकिस्तान की, आप बात करते हो हिंदुस्तान की। अरे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि इसकी तरफ आंख उठा के देख ले यूपी के ऊपर। आपने ठीक कहा, आप बात करना छोड़ दीजिए। आपने विकास में बताइए, बात कर रहा हूं विकास में बताइए। कितना विकास करेंगे, आपने क्या कहा किसानों के लिए, आसानी क्या क्या हिंदुस्तान में रहने पाकिस्तान की बात करने क्या काम किया। लेकिन हमें दुख होता है कि पाकिस्तान यहाँ की रोटी खाता है, यहाँ रहता है, उनका यहाँ मकान है और बात करता है पाकिस्तान की, जिन्ना वाले नारे लगाता है, देश को तोड़ने के नारे लगाता है। अरे दुख होता है हमें, इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह के JNU और AAP जैसे कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें दुख इस बात का होता है जो विपक्षी दल है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सारी विपक्षी दल उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सपा बसपा सब सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के। वहां जाके साइन बार के अंदर जाके वहां इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। कांग्रेस के नेता वहां नारे लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता वहां जाके नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग के नेता वहां जाके नारे लगा रहे हैं। किससे बताइए, किसानों की पेमेंट भी बताइए। रोजगार पे काम हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ किसानों का पेमेंट हो 6,000 रुपए की सहायता राशि के तौर पर किसानों के लिए। भीख क्यों दे रहे हो, ये भीख है किसान, ये भीख है नहीं चाहिए। ए, आप अपनी मानसिकता सोचिए, किसान का पैसा दो, किसान मानसिकता सोचिए, ये किसान की भीख नहीं है। सहायता राशि अगर किसी को दी जा रही है ये भीख बोल के, आप ना आप देश की किसानों को बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। आप किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसानों को बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। किसानों के ऊपर आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। आप पेमेंट दीजिए, आप किसानों के ऊपर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। आप किसान का पैसा चाहिए, बात कर रहे हैं किसान का पैसा चाहिए, पैसे की बात करो। 6,000 रुपए की सहायता राशि, अरे हमारा पैसा क्यों नहीं देते। सहायता राशि 6,000 रुपए देने की बात, खरबों रुपया आपके ऊपर है, किसानों को सब्सिडी देने की बात की, किसान को गन्ना किसानों को भी सब्सिडी देने की बात की, सिंचाई विभाग के किसानों को बताओ, सिंचाई के अंदर बात की, बताओ पैसे हमारे कब मिलेंगे, के अंदर उनको सब्सिडी देने की बात की। आपको तो यही पता, किसानों के लिए काम आपको पता ही नहीं है। आपकी सरकार कब पैसे देगी किसानों को, हमारे पैसे क्यों नहीं देते। आपकी किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के मैं गिना तो रहा हूँ आपको, अरे किसानों के लिए कितना काम किया आप समझ ही नहीं रहे। पेमेंट हो गया, किसानों को ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या, किसानों को आप इस तरह की बात कर रहे हैं। किसानों का हो गया, किसान हमारे आपको पता होना चाहिए, बताइए पेमेंट होना चाहिए, बस पेमेंट की बताइए और कुछ नहीं। चौधरी चरण सिंह जी ने एक नारा दिया था, चौधरी चरण सिंह जी का तो नारा आपने फेल कर दिया था, उन्हीं की कोठी खाली कराई थी मंत्री जी। अरे विनय भाई उन्हीं की कोठी खाली कराई थी सबसे पहले आपके बीजेपी वालों ने, चौधरी साहब को हम किसान की बात करें, किसान के लिए क्यों खाली कराई। आप ये नहीं कह सकते कि किसान के लिए काम नहीं किया। अगर किसान के लिए कोई देश नहीं किया आजादी के बाद किसी ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है, अदरवाइज किसी ने चिंता नहीं की किसान की। पेमेंट मैं आपको बता तो रहा हूँ, आपको कितने काम गिना दिए, मैंने कितने काम गिना दिए, सब्सिडी देने पे काम कराया, सहायता राशि देने पे काम कराया, बिजली के अंदर जो किसानों को सिंचाई के अंदर जो बिजली का यूज होता था उसके अंदर सब्सिडी देने की बात की, नाम लिया इससे ज्यादा बात क्या होगी। सुनो बिजली का नाम लिया, आप वही किसान समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बताने तो दो। वही किसान के बेटे को आपने जेल भेजने का काम किया बिल के ऊपर, वही किसान का बेटा आपने तमाम, और वहां आपके अधिकारियों ने, आपके अधिकारियों ने के अंदर जो किसान है आपने, वो सब किसान के बेटे हैं, आप और हम भी किसान के बेटे हैं। अगर कोई उनको जेल को भेजा, राष्ट्रीय लोकदल का किसको भेजा, किसी भी नेता का बेटा हो जाएगा वो सिर्फ किसान का बेटा नहीं रहेगा, आप और हम भी किसान के बेटे हैं।
चलिए विनय जी संजीव जी, विनय जी संजीव जी, किसानों को लेकर राजनीति होती रही है और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो अक्सर सामने आते रहते हैं। महंगाई का ऐसा मुद्दा, रोजगार का ऐसा मुद्दा, और चाहे महिला सुरक्षा की बात क्यों ना कर ले, एक ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका देते हैं कि आखिरकार सरकार पर कैसे हावी होना है। फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन था और इस तरह से हंगामा यहां पर देखने को मिला। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने हंगामे महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर यहां पर देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जो कुर्बानियों से है जन्मा,